नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब अप्रैल महीना लगभग लगभग शुरू हो गया है, खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। और आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या हमारे देश में, प्रदेश में है, बच्चों का एडमिशन। और ज्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो, उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ले। तो क्या प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो वाकई में ही इतनी अच्छी है? आज इस विषय पर हम बात करेंगे और इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय आपके लिए है, हर उस माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। आज उनके लिए इस विषय पर गहरे तरीके से सोचना जरूरी हो गया है। और जो सरकारें दावा कर रही हैं एक बेहतर शिक्षा का, जो सरकारें दावा कर रही हैं एक क्वालिटी एजुकेशन का, उस क्वालिटी एजुकेशन के दावे में कितनी पोल खुली है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। जीवन उत्साह न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको लेकर चल रहे हैं स्कूलों के नए सत्र की तरफ, जहां निजी स्कूल बने हैं किताबों के डीलर तो दुकानदार बन गए हैं रिटेलर। जी हाँ दोस्तों, हर वो व्यक्ति जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, आज इस विषय पर वो दर्द उसके दिल में कहीं ना कहीं सामने आएगा। जो किताबों के भारी भरकम बोझ से बच्चे दबे हैं, उनकी कीमत में मां बाप भी दब रहे हैं। क्योंकि स्कूलों में नया सत्र शुरू होते ही माता पिता की टेंशन बढ़ गई है। किताबें तो खरीदनी है, लेकिन उसके साथ साथ में डेवलपमेंट फीस के नाम पर एक भारी भरकम अमाउंट भी अब माता पिता को बच्चों के लिए चुकाना उनकी मजबूरी बन गई है। सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं इस विषय पर, हम प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाएंगे, लेकिन क्या वो लगाम सच में ही लग पा रही है, नहीं लग पा रही है, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। आप किताबों की दुकान के बाहर आज लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, और हालांकि ये लाइनें पहले स्कूलों में लगी होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकारों ने इन लाइनों को स्कूलों से हटाकर मार्केट में दुकानों पर लगवा दिया। और ये सब सरकारों की कहीं ना कहीं मिली भक्त है, और प्राइवेट स्कूलों के साथ में ये दादागिरी जो एक आम आदमी के साथ की जा रही है, उसकी पोल खोलने के लिए आज इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि कॉपी किताबें खरीदना कोई आसान बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। इसको खरीदने के लिए अब आपकी जेब में अच्छे खासे नोट होना जरूरी है। कॉपी किताब का सेट इतना महंगा हो गया है कि उसे खरीदने में माता पिता का पसीना छूट रहा है। और कई निजी स्कूलों में तो पहली और आठवीं कक्षा की जो किताबों का सेट है वो लगभग 5,000 से 8,000 रुपए के बीच में मिल रहा है। आप सोचिए, छोटे से बच्चे की शिक्षा के लिए 5 से 8 हजार रुपए किताबों पे खर्च करना पड़ रहा है, और प्रशासन और शिक्षा विभाग इस लूट के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। पुस्तक विक्रेताओं के यहां लगी हुई लंबी लाइनें आज ये तय कर रही हैं, आज ये बता रही हैं कि जो सरकार एनसीईआरटी को लेकर दावा करती है कि अब एनसीईआरटी की ही किताबें पढ़ाई जाएंगी, वो दावे पूरे रूप से फेल हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस विषय पर बात करने के लिए कॉल किया और बताया कि किस तरह से स्कूल किताबों के नाम पर उनसे एक लूट मचाकर काम कर रहे हैं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये स्कूल काम कर रहे हैं, जहां पर इनका एफिडेविट लगा होता है कि हम बिना किसी प्रॉफिट के स्कूल को चलाएंगे। लेकिन आज अगर किसी स्कूल में 1,000 बच्चा एवरेज है और 5,000 रुपए की किताबें अगर बच्चा एक खरीदता है, तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा अमाउंट आज स्कूल के पास एक प्रॉफिट के रूप में सीधे तौर पर जा रहा है। क्योंकि किताबों में जो मार्जिन है वो अभी मैं आपके बीच में जो विश्लेषण करने के लिए लेकर आया हूं, उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना प्रतिशत मार्जिन ये स्कूल ले रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों से जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें लगभग लगभग 80% महंगी हैं। और ज्यादातर निजी जो स्कूल हैं वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की किताबें मंगवाने में
कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और इसी वजह से 80% निजी जो प्रकाशक है उनकी किताबें महंगी खरीदकर बच्चों को दिलवाई जाती है। इन बातों का आपको और भी विश्लेषण करके पता लगेगा जब आप एनसीईआरटी से और प्राइवेट पब्लिशर की किताबों के बीच में प्राइस का जो डिफरेंस देखेंगे। मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको कुछ चीजें बताता हूं। अगर एनसीईआरटी की कोई किताब आप लेते हैं तो जिसकी अगर मान लो 256 पन्नों की कोई किताब है उसकी कीमत मार्केट में 65 रुपए है, जबकि यही किताब 167 पन्नों की 305 रुपए में निजी प्रकाशक की मिल रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पहले बड़े बच्चों की जो किताबें होती थी वो छोटे बच्चे पढ़ लेते थे। हमारे घर में मान लीजिए 2 बच्चे होते थे या अपने पड़ोस में बच्चे होते तो एक दूसरे की किताबें लेकर हम काम चला लेते थे, लेकिन अब बड़े बच्चों की किताबें छोटे बच्चे प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर साल जानबूझकर सिलेबस को बदल दिया जाता है और किताबों के कवर भी बदल दिए जाते हैं ताकि ये पता ही नहीं चले कि किताब नई है या पुरानी है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि उसी किताब के पेजेस को जो उसके लेसन्स हैं उनको आगे पीछे कर दिया जाता है और किसी दूसरी किताब का पिछले साल का लेसन इसमें डाल दिया जाता है और फिर वापस उसी पब्लिश किताब को पब्लिश करके उसी बड़े भाव में बेचा जाता है। अब जब स्कूलों द्वारा जो निजी प्रकाशकों की किताबें लगाई जा रही हैं जो कि एनसीईआरटी से 5 गुना महंगी हैं, तो फिर एनसीईआरटी की 256 पन्नों की जो किताब है वो केवल 65 रुपए में मिल रही है और वही किताब निजी प्रकाशक की 167 पन्नों वाली 305 रुपए में मिल रही है, 405-420 रुपए में मिल रही है। तो ऐसे में निजी स्कूल कमीशन के चक्कर में महंगी किताबें बेचकर माता पिता का हरासमेंट कर रहे हैं और सरकारें सोई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पेरेंट्स इस बात में विरोध भी करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने स्कूल का विरोध कर दिया तो उनके बच्चे के साथ में भेदभाव किया जाएगा, उनके बच्चे के साथ में कहीं ना कहीं एक दुश्मनी निकाली जाएगी कि इस पेरेंट्स ने यहां पर आके स्कूल में आकर हंगामा किया। और दूसरी बात यहां एक और भी है कि अगर किसी पेरेंट्स ने ये वहां पर जाके विरोध कर दिया कि इतनी महंगी किताबें क्यों या डेवलपमेंट चार्ज क्यों, तो स्कूल के पास सिर्फ यही होता है कि ठीक है जी आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा लीजिए या फिर किसी दूसरे में स्कूल में पढ़ा लीजिए। तो ऐसे में कोई भी माता पिता जब अपने बच्चे को 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल से लगातार एक स्कूल में पढ़ा रहा होगा, अब वहां से किसी नए स्कूल में बदलना कितना मुश्किल है। इसी बात का फायदा प्राइवेट स्कूल उठाते हैं। और देखिए निजी स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि माता पिता पिस रहे हैं और सरकार और हमारे नेता चुप हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम इसको ऐसे देखें, एनसीईआरटी की किताब किसी भी दुकान पर मिल जाती है जबकि प्राइवेट जो प्रकाशक होते हैं निजी जो प्रकाशक होते हैं उनकी किताबें किसी खास दुकान पर मिली दी जा रही हैं। और वो खास दुकान के साथ साथ में वहां पर नोटबुक्स लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है और 5,000 से 6,000 रुपए एक बच्चे की किताबों का माता पिता को पे करना पड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। स्कूल और प्रशासन की दादागिरी चुपचाप सहने के लिए माँ बाप परेशान हैं और देश भर में सरकारें इस बात को लेकर बार बार नोटिस भी निकालती हैं, नोटिफिकेशन निकालती हैं कि इसका पालन किया जाए, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन निजी स्कूल इसको मानते नहीं है। हमारी एजुकेशन व्यवस्था में बैठे हुए जितने लोग हैं इसके ऊपर कोई गौर नहीं करते हैं। आखिर क्या उनका ऐसा प्रॉफिट है, क्या उनको ऐसा लालच है कि वो सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में किताबों में अलग अलग डिफरेंस कर रहे हैं। अब देखिए सरकारी स्कूलों में जो क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्या उस सिलेबस से आईएएस आईपीएस नहीं बना जा सकता, क्या उससे बच्चे का टैलेंट नहीं निकल कर आता है, क्या प्राइवेट स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जा रही क्या उन्हीं की वजह से बच्चे के अंदर टैलेंट है, वो बच्चा योग्य बनेगा। आखिर ये पढ़ाई जो किताबों में पढ़ाई जाती है ये कहीं काम आती नहीं है। अब वो एनसीईआरटी की किताबें पढ़कर किसी बच्चे ने चाहे शिक्षा ली हो चाहे प्राइवेट पब्लिशर की ली हो उसमें कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन आज हमारे स्कूलों की हालत इतनी खराब हो गई है कि
एनसीआर की किताबों में, जैसे कि अगर जो किताबें बेचने वाले हैं उनको 15-20% कमीशन मिलता है, जबकि प्राइवेट पब्लिशर्स का जो कमीशन है वो 40-50% का है। यानी एक किताब अगर 400 रुपए की बेच रहे हैं तो लगभग 190-200 रुपए की वो किताब है, और 200 रुपए का मार्जिन जो है वो कहीं स्कूल का छुपा हुआ रहता है। एवरेज ये 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, अलग अलग जगह पर वेरी करता है, क्योंकि सीधे जो प्रकाशक हैं उन्हीं से किताबें स्कूल मंगवा लेते हैं और अपनी एक दुकान जो है वो सर्टिफाइड कर लेते हैं और वहां से ही किताबें खरीदी जाने के लिए बाध्य करते हैं। अब जो किताब 65 रुपए की, 70 रुपए की अगर एवरेज देखें तो पूरी एनसीईआरटी की किताब जो है वो 400-500 रुपए की आ जाती है, लेकिन वही किताबें 5-6 हजार रुपए की कॉपियां समेत, अगर मान लो 1000 रुपए का सेट अगर एनसीईआरटी का आ जाता है तो यही सेट प्राइवेट पब्लिशर का 5-6 हजार रुपए का, यानी 1000 रुपए में और 6000 रुपए में जो फर्क है वो 5000 रुपए का एक बच्चे पे डिफरेंस आ गया। और आज के समय में आप देख ही सकते हैं कि किस तरह की हालत चल रही है। तो इसको लेकर बच्चों के भविष्य के साथ, अभिभावकों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको लेकर क्यों सरकारें चुप हैं, क्यों सरकारें इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही हैं, आज इस एनालिसिस के माध्यम से हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि जब निजी स्कूलों में लागू जो पाठ्यक्रम है वो और एनसीईआरटी द्वारा जो बताया जा रहा है उसके अंदर रिसर्च की गई है, फिर क्यों नहीं एनसीईआरटी के सिलेबस को पूरे देश में एक समानता से लागू किया जाता है? क्योंकि नेताओं के अपने स्कूल हैं, सारा मार्जिन यहां से निकलकर आता है, तो फिर आम आदमी की कौन सुनने वाला है? अभिभावक परेशान हैं, स्कूलों ने अपने कमीशन की जो प्रक्रिया चलाई हुई है एक बड़े शानदार तरीके से, समान तरीके से अवैध कमाई को चलाने का जो एक कारोबार है, माता पिता से जिस तरह से छल करके पैसा लिया जा रहा है, उस छल का कहीं ना कहीं आज शिक्षा व्यवस्था पे भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। क्योंकि गरीब आदमी अगर चाहता भी है कि वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए या उसको एक एनवायरमेंट दे, तो वो दे नहीं सकता। सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता ही है किस तरह की है। आज टीचर्स हैं तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो टीचर्स नहीं हैं, लेकिन आज किताबों के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर, बैग्स के नाम पर, ड्रेस चेंज करने को लेकर हर साल का एक डेवलपमेंट चार्ज 8-10 हजार रुपए डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है। ये तो मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, शहरों में तो, सिटीज में तो 50-60 हजार रुपए डेवलपमेंट चार्ज ले लिया जाता है। किस बात का डेवलपमेंट चार्ज? आज स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से प्राइवेटिज्म की तरफ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन माता पिता मजबूर हो गए हैं। और मैं आपको एक और चीज भी यहां बताना चाहूंगा कि जो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस है उसको रिसर्च किया गया है, उसके ऊपर पूरी रूप से संशोधन किया गया है, और उसके बावजूद उसमें पूरे देश में एक समान शिक्षा को लागू किया गया है, लेकिन उसको कोई मान नहीं रहा है और प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी की तरफ चल रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स से हम चाहते हैं बात कराना, पेरेंट्स भी बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, पेरेंट्स के मन में हमेशा ये डर रहता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे बच्चे के साथ भेदभाव किया जाएगा। तो सरकारों को इस विषय पे सोचना चाहिए। आज भारी भरकम शिक्षा व्यवस्था का जो खर्चा माता पिता को आज वहन करना पड़ रहा है उससे लोग परेशान हैं, और इस विषय पर सरकारों को बहुत सीरियसली सोचकर स्कूलों को भी एक सही व्यवस्था के साथ में, एक सही नीति के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि शिक्षा के माध्यम से हमारे देश में एक क्रांति लाई जा सके, हर युवा हर बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए काम किया जा सके। और शिक्षा का जो ये प्राइवेटिज्म हुआ है, जिस तरह से शिक्षा को एक धंधा बना दिया गया है, उस धंधे से भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिले। अगर जीवन उत्साह न्यूज की ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक बहुत दूर तक जा सकता है और सरकारों को इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर सकता है
कि आखिर हमारी शिक्षा का ध्रुवीकरण क्यों हो रहा है, आज प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक जैसी शिक्षा क्यों नहीं। सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।